मैं शो में डे वन से थी तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। टेंथ ईयर में इतना अच्छा करना, ये कोई ना कोई लाइक मिरेकल है। स्पिन ऑफ आया है वो भी 2.93 के TRP में है। क्लोविया एक बहुत ही अच्छी इंटीमेट वेयर एज वेल एज नाइट वेयर, मतलब उसकी वेबसाइट कई बार सर्व की है एंड शॉपिंग भी की है। तो जब मुझे इस इवेंट के लिए कॉल आया सो आई थॉट कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही हैपनिंग होगा। सो आई थॉट कि लेट्स गो एंड सी। अच्छा, अगर आपकी पर्सनली बात की जाए तो कितनी ब्रांड कॉन्शियस है आप कपड़ों के? फ्रैंकली ब्रांड कॉन्शियस से ज़्यादा मेरे को क्लोथ्स स्टाइलिश होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए एंड ट्रेंडी होने चाहिए। एंड फॉर मी इफ आई हैव टू जस्ट गिव देम लाइक 1 to 5 के बीच में अगर मुझे वो देना हो तो मेरे लिए कंफर्ट सबसे पहले आता है। ब्रांड के पीछे भागने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। यू शुड बी एबल टू कैरी इट, बेसिकली योर पर्सनैलिटी शुड बी एबल टू कैरी दैट आउटफिट। सो या वी आर 4 एट द मोमेंट एंड उसका जो स्पिन ऑफ आया है वो भी 2.93 के TRP में है। सो दोनों ही शोज बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड मैं शो में डे वन से थी तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि 10 साल से शो इतना अच्छा चल रहा है। टेंथ ईयर में इतना अच्छा करना, ये कोई ना कोई लाइक मिरेकल है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अगर आपकी पर्सनली बात की जाए तो अपने लुक से हटकर आज थोड़ा जो टीवी पर जिस तरीके से आप आते हैं तो कुछ हटकर है? डेफिनेटली टीवी में हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनली ड्रेस्ड होते हैं, स्पेशली ये रिश्ता में तो हम ज़्यादातर नथ और राजस्थानी गेटअप में बोरले वगैरह के साथ होते हैं। एंड पर्सनल लाइफ में हम अपने कंफर्ट के हिसाब से एंड जैसा ओकेजन है उस हिसाब से ड्रेसअप होते हैं। और आज ये इवनिंग आफ्टरनून एंड इवनिंग का इवेंट था सो आई वोर दिस लाइक दिस ड्रेस विच आई हैव डिज़ाइन माई सेल्फ। तो मुझे अच्छा लगता है कुछ अलग अलग फैब्रिक्स कलेक्ट करके उसको डिज़ाइन अप करने में मुझे अच्छा लगता है। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे कितना प्यार दे वो ये रिश्ता क्या कहलाता है और उसके स्पिन ऑफ को भी? फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जो ये 10 साल की जर्नी है ये बिना फैंस के तो हो ही नहीं सकती। डे वन से लेकर अब तक इतना प्यार दिया है कि मतलब किसी और शो को इतना प्यार नहीं मिला है, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। और अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी ये रिश्ता लॉन्च होने वाला है, कई बार मेरे को फैंस वहाँ से क्लिपिंग्स भेजते हैं जो इंडोनेशिया या वहाँ की लैंग्वेज में होता है। सो वी फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी लाइक प्रिविलेज्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। थैंक यू सो मच।